मंत्रिमंडल संप्रसारण सहित विभाग बंटन पर कर्णाटक बीजेपी में असंतोष मंत्रिमंडल में स्थान पाई किसी वरिष्ठ बीजेपी विधायक खोलाखोली असंतोष प्रकाश कर चिंग मंगालोर विधायक सिटी रवि ट्वीट कर निजर असंतोष जन येदुरप्पा मंत्रिमंडल में 17 जन को स्थान मिलता बेले 3 जन को उपमुख्यमंत्री दायित्व मिली बड़ कथा केएस ईश्वरप्पा एवं आर अशोक भली वरिष्ठ नेता पूर्व उपमुख्यमंत्री दायित्व संभा सारी बेले एथर केवल मंत्री भाव स्थान पाई जहां ईश्वरप्पा समर्थक बीजेपी हाइकमांड को खोलाखोली चेतावनी आगामी दिन में ईश्वरप्पा को उपमुख्यमंत्री पद न मिलने स्थिति भयंकर बोली सतर्क कर विधायक सिटी रवि कहते नुआ बीजेपी सभापति दायित्व नेबा से निजर प्रतिक्रिया रखे से उपमुख्यमंत्री पद पाइबार वंचित वरिष्ठ नेता श्री रामलू समर्थक भी सोशल मीडिया रे निजर असंतोष प्रकाश कर श्रीरामलू स्वास्थ्य मंत्रालय दायित्व मिली देश में पुणि आक्रमण आशंका पाकिस्तान पटु आक्रमण नहीं गुइंदा रिपोर्ट मिलवा पर गुजरात और महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी करा विशेषकर समुद्र पट दे आक्रमण आशंका रही कोस्टगार्ड को मध्य सतर्क करा एथसत समुद्र भितर को जाता मत्स्यजीवी को मध्य सतर्क रही कौन संदेहजनक गतिविधि नजर आसे सुरक्षाकर्मी को अवगत करने को कह धारा 370 उच्छेद को बीतला 23 दिन धीरे धीरे कश्मीर में स्वाभाविक होइछि जीवन तेबे एबे मध्य अनेक स्थान रे परिस्थिति को देखि लगा जाइछि कटकणा आईन श्रृंखला परिस्थिति को ध्यान रे रखी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जाइछि उपत्यकारे मोबाइल एवं इंटरनेट सेवा ए पर्यंत स्वाभाविक होइ नथिबारु लोकंकु बहु असुविधार सामना करबाक पड़ुछि में आज पूरे 23 रोज मुकम्मल हो गए ताहम हालात जूं के तू हैं अभी तक हालात यहाँ पे मामूल पे नहीं लौट पाए हैं। अगर हम बंदिशों के हवाले से बात करें तो बंदिशें बेशतर इलाकों से हटा दी गई हैं ताहम दफ़ा 144 अभी भी नाफिज हैं। जो हसास इलाके हैं वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी तादाद में तैनात किया गया है, जैसे डाउन टाउन का एरिया हो या जो मायसुमा का एरिया हो सिक्योरिटी को अलर्ट पर रखा गया है कि ताकि किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटा जाए और अगर कहीं कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसी वक्त वहाँ पे बंदिशें आयद कर दी जाएँ। यहाँ अगर हम सिविल लाइंस एरिया के हवाले से बात करें तो सिविल लाइंस एरिया में जो बंदिशें हैं वो पूरी तरह से हटा दी गई हैं और यहाँ पे ट्रैफिक की नकल हमल भी देखी जा सकती हैं। जो निजी गाड़ियाँ हैं निजी गाड़ियों की नकल हमल यहाँ पे देखने को मिलती है। ताहम ये जो शहर ख़ास की अगर हम बात करें शहर ख़ास में जो बाज़ार हैं या सिविल लाइंस में जो बाज़ार हैं वो अभी वहाँ रौनकें अभी लौट के नहीं आई हैं। अभी बाज़ार यहाँ पर नहीं खुले हैं, मुसलसल स्कूल कॉलेजेस भी यहाँ पे बंद हैं जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम पे काफ़ी असर पड़ रहा है। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बात करें टेलीकम्युनिकेशन आज 23वें रोज़ भी ठप है, कुछ लैंडलाइंस चल रही हैं बाकी की जो लैंडलाइंस है वो अभी तक रेस्टोर नहीं की गई है। कुल मिला के देखें तो 23 रोज़ में ख़ास यहाँ पर सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है। गुलशन नवाज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर।